शैतान, कम होशियार ज्यादा नादान। थोड़े इंसान ज्यादा शैतान, कम होशियार ज्यादा नादान। बाबू बोले भैया पहलवान गंदगी में रहना मत, सफाई से परेशान। आइए निकाले समस्या का निदान। नहीं होने देंगे आपको आपकी गंदगी से दूर, नहीं होने देंगे आपको आपकी गंदगी से दूर। 10 दिन में जाएगा स्वच्छता अभियान। तो देखा आपने हमारे देश को, हमारे शहर को, हमारे आसपास के इलाकों को, देखा आप लोगों ने हमारे आसपास के लोगों की सोच को। आइए देखें कुछ ऐसी घटनाएं जो है आज हमारे इस देश की हालत। आइए लेते हैं हम एक रियलिटी टेस्ट। लिखा है यहाँ थूकना मना है। अरे भाई साहब इस बोर्ड में क्या लिखा है? अरे भाई जान यहाँ पे लिखा है यहाँ थूकना है, जो लिखा है वही करना चाहिए, के नियमों का पालन करना चाहिए। देखो भाई देखो, हरे हरे पान का बाग पूरे नगर में पड़े लाल लाल। कौन सा पान? बनारसी पान। तो आपको क्या लगता है ये पढ़े लिखे लोग देश को साफ सुथरा रखते हैं? आइए देखते हैं। ये तो बात है आम जनता की, अब आई आती है इन नेताओं की जो इन पर बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े नारे लगाते हैं। क्या ये इन पे अमल होते हैं? अरे आज तो स्वच्छ भारत अभियान का पहला दिन है और मैंने एक भी सेल्फी पोस्ट नहीं की। भैया कैन यू हैव गिव योर ब्रूम? क्या आप मुझे अपना झाड़ू दे सकते हो? हो गया, हाँ हो गया। हैशटैग स्वच्छ भारत अभियान। ये इमारत कितनी सुंदर है, इस पे मेरा हक है, सिर्फ मेरा। आज से ये इमारत मेरी हुई पापा, सिर्फ मेरी। तो जैसा कि आपने देखा ये सिविलाइज लोग देश को साफ सुथरा नहीं रखते, तो हम अनसिविलाइज लोग से क्या उम्मीद रखेंगे? जैसा आप सब जानते ही हैं कि पिछले वर्ष आपके स्वच्छता अभियान में मैंने कितना बड़ा योगदान दिया था। तो नेताजी शायद आप भूल गए, पिछली बार आपको जूते भी पड़े थे और जूतों के साथ साथ अंडे भी बिके थे। अरे अरे पुरानी बातों को छोड़िए, इस बार मुझे दी जाइए ना, मैं आपका खूब ध्यान रखूंगा। नेताजी ध्यान रखिए वापस जूते चप्पल ना पड़े, इस बार मैं पूरा ध्यान रखूंगा। चुनाव के कुछ महीनों बाद। अरे रे ये देश को क्या हो गया, हर जगह कचरा फैला रहता है। अरे रे ये देश को क्या हो गया, हर जगह कचरा फैला रहता है। हमारे नेताजी भी आजकल हमें कहीं दिखाई नहीं पड़ते, ऊपर से ये नाले और गंदे बने। तो देखा आपने हमारे देश के सिविलाइज अनसिविलाइज, यहाँ तक कि नेताओं का भी सफाई की तरफ कोई भी जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं है। उन्हें जब तक हम दबाव नहीं डालते वह तब तक कुछ करते ही नहीं है। तो आज से हम ये प्रण लेते हैं कि हम अपने घरों को, गलियों को साफ रखकर स्वच्छता अभियान में योगदान देंगे। के ऊपर रजू ने आपको एक स्किट या एक अपना मैसेज जो है वो पास किया। तो पहले की अकॉर्डिंग तो बच्चे या हमारी सोसाइटी काफ़ी अवेयर हुई है ना,
जहाँ भी इतना गंद पड़ा रहता था या म्युनिसिपैलिटी के द्वारा कोई ऐसी मुहिम जो नहीं चलाई जाती थी, पर प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद काफी अवेयरनेस इस फील्ड में हुई। एक बार एक रिपोर्टर ने मोदी जी से पूछा कि आपने कौन सी नई स्कीम्स जो है वो इम्प्लीमेंट की है भारत में, बड़े ध्यान से सुनिएगा बात। मोदी जी ने बोला कि मैंने कोई नई स्कीम्स इम्प्लीमेंट नहीं की है, मैंने जो पुरानी एग्जिस्टिंग स्कीम्स थी उनका ही डिंडोरा जो है वो अच्छे से पीटा। ये सारी स्कीम्स जो हैं ये कांग्रेस पार्टी ने ऑलरेडी जो पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं या पहली जो सरकारें रह चुकी हैं ये उन्होंने सारी चीज़ें अपने बिल्स में अपने ऑर्डिनेंस में पास की थी, पर ये सिर्फ बुक्स में थी। पर मोदी गवर्नमेंट आने के बाद बड़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बुक से निकल के सोसाइटी में इंप्लीमेंट हुई और फाइनली बच्चों को पता चला कि नहीं ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, हमें अपनी अवेयरनेस रखनी है, स्वच्छता रखनी है, अपने घर को अपने आसपास को अपने क्लासरूम्स को अपने स्कूल को अपनी सोसाइटी को अच्छा बना के रखना है। क्योंकि जब आप लोग अच्छे से एक अच्छे इन्वायरमेंट में रहेंगे तो आपका पूरा दिन जो है वो एक हेल्दी निकलेगा, है ना। क्योंकि आप लोग, मैंने अभी रिसेंटली 10th क्लास में जा रहा था तो एक छोटा सी बोर्ड की ना वो स्क्रिप्ट निकली हुई थी, होप यू रिमाइंड दैट इंसिडेंट। तो मैंने सभी बच्चों को पूछा तो बच्चों ने उसके ऊपर जो आंसर दिया, पर मुझे लगता है उस दिन के बाद उनकी कुछ ना कुछ सोच जो है वो चेंज हुई होगी अपने क्लासरूम के प्रति, कि वो अपने क्लासरूम को अपना घर समझे, अपना बेडरूम समझे, जहाँ पे आपको 6 घंटे जो है वो इन्वेस्ट करने हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग आए, आंटी जी ने वो सफाई की हुई है, दिस इज नॉट द ड्यूटी ऑफ आंटी जी की आपकी क्लासरूम को टिप टॉप रखना, दिस इज ऑल्सो योर ड्यूटी कि आप लोग अब जहाँ पे बैठ रहे हैं, जहाँ पे 6 घंटे बैठ रहे हैं, वहाँ पे आप लोग क्या चीज़ एक्सेप्ट करते हैं। ओके, तो जो भी चीज़ आप लोगों को अपनी क्लास में और लगे तो आप लोग भी उसके इनिशिएटिव ले सकते हो कि हाँ मुझे ये चीज़ को ठीक करना है।